कर लिया था म्यू टेस्ट के बारे में, आज हम उससे आगे कर रहे हैं। म्यू टेस्ट के बाद द्वितीय प्रकार के अनंत समाप्ति के लिए टॉपिक चल रहा था, और उस टॉपिक के अंदर हमने म्यू फ्रिक्शन, पी स्मकल, तुलना फ्रिक्शन, इन सब के बारे में कर लिया था। उस पर आधारित मैंने कुछ एग्जांपल करने को कहे थे, शायद आपने कर ली हो, मैं करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन है, टेस्ट पर बेस्ड जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें है, पेज नंबर इसमें आपका मिल जाएगा 159, कोक्रुसेनी जो बुक है उसमें। सो इसके अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है 0 से 1 तक dx बटे अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस x, हमें इसमें म्यू टेस्ट लगाते हुए सॉल्व करना है। म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 0 से 1 में 0 पर भी ये अनंत समाकल है और 1 पर भी अनंत समाकल है। अगर दो पार्ट में अनंत समाकल बन जाता है तो उसको दो पार्ट में विभाजित कर लेंगे, 0 और 1 के बीच में अगर कोई मान लेना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, वरना किसी बिंदु ए से व्यक्त कर लो, वो ए बिंदु कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0 से 1 बटे 2 लिख दो चाहे ए लिख दो, मैं 1 बटे 2 से व्यक्त करता हूं, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 बटे 2 से 1 डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ये आई वन समाकल है और ये आई टू समाकल है। इस आई वन के लिए क्योंकि हमें एक्स बराबर 0 पर ये अनंत समाकल बन रहा है, तो x की पावर, ये मेथड होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां x की पावर लगाते हैं म्यू और फिर आता है एफ एक्स। इस म्यू को परिभाषित करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर हाफ लेके चलेंगे और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस x। ये x माइनस a की पावर म्यू होती है, a की वैल्यू 0 है इसलिए x की पावर म्यू डायरेक्ट लिखा है मैंने। अगर यहां पे कोई निश्चित बिंदु होता जैसे अगले वाला पार्ट i2 करेंगे तो उसमें और परिभाषित कर दूंगा मैं। सॉल्व करेंगे x से ये x की पावर हाफ कैंसिल, इसमें लिमिट चेंज हो जाती है, मैंने बताया था 0 प्लस हो तो h टेंड्स टू 0, x की जगह पर h पुट करते हुए और h की जगह अगर 0 रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 1/1 यानी एक निश्चित मान, परिमित मान को व्यक्त करता है, जबकि म्यू की वैल्यू हाफ जो है वो स्मॉलर देन है 1 से, और अगर म्यू की वैल्यू 1 से स्मॉलर हो तो वो अभिसारी होता है, यानी पहला इंटीग्रल जो है वो अभिसारी है, आई वन अभिसारी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर वो अपसारी की कंडीशन को शो करता है। फिर हम लेके चलते हैं आई टू, आई टू के अंदर हमारे पास क्योंकि एक पर वो अपरिभाषित हो रहा है इसलिए एक माइनस लेके चलते हैं हम इसमें, ऊपर वाला जो बिंदु होता है उसके लिए एक माइनस, नीचे वाले बिंदु के लिए एक प्लस होता है। वहां पे अगर हम एक्स के ऊपर परिभाषित करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर म्यू इंटू एफ एक्स लेके चलेंगे जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, बी माइनस एक्स की पावर म्यू इंटू एफ एक्स होता है म्यू परीक्षण के अंदर अनंत समाकल में परिभाषित करते हैं। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स की पावर एक्स 1 माइनस एक्स की पावर हाफ लेके चलेंगे और एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो डी एक्स अपॉन सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बनेगा। ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, लिमिट चेंज करेंगे एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एक्स की जगह पर 1 माइनस एच आएगा, 1 माइनस एच में एच की जगह 0 रखेंगे 1 अपॉन 1 आएगा यानी 1 आ जाएगा जो परिमित मान को व्यक्त करता है, और म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो हाफ आ रही है लेस देन है 1 से, अतः आई टू भी अभिसारी है। आई वन और आई टू दोनों अभिसारी होने के कारण दिया गया समाकल आई जो है वो एक अभिसारी अनंत समाकल को व्यक्त करता है। ये हमारा टॉपिक था इसमें। तो म्यू टेस्ट के अनुसार 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स का जब समाकल करेंगे हम, समाकल करना आसान नहीं है इसलिए हम बिना समाकल के म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं कि कब अभिसारी होगा और कब अपसारी होगा, म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। इसको निकालने के लिए देखो सबसे पहले
ये x इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर अपरिभाषित मान को व्यक्त करता है, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है और लॉग जीरो का मान अनंत होता है। 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है और लॉग 1 का मान 0 होता है, निश्चित मान है। इसका मतलब x बराबर 0 पर अपरिभाषित मान को व्यक्त करता है। अगर x बराबर 0 के कारण ये अनंत समाकल बनता है तो जो हमारा नियम था वो कुछ इस प्रकार से था, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां पे लिखते हैं x की पावर म्यू इनटू fx, fx की जगह पर हमारे पास दिया हुआ है x की पावर म्यू इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अगर x की जगह पर 0 प्लस h पुट करते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ साइन एच अपॉन h की पावर माइनस म्यू। नीचे ले गए हम पावर को। अब इसमें अगर x की जगह पर 0 रखते हैं, h की जगह 0 रखते हैं, तो ये जो फॉर्म बन रही है वो अनंत बटे अनंत बनेगी, क्योंकि h की पावर माइनस म्यू है। h की पावर माइनस म्यू का मतलब किसी की भी घात माइनस में आ जाए तो वो अनंत, जीरो की घात माइनस में आ जाए तो वो अनंत होती है। अगर जीरो की घात माइनस में होगी तो वो अनंत को परिभाषित करने के कारण अनंत बटे अनंत रूप बन रहा है। एक हमारे पास नियम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अगर fx अपॉन gx दिया हुआ हो और वह अनंत बटे अनंत या 0 बटे 0 बनाता है, दोनों में से कोई भी केस बन सकता है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर अंश का अलग से अवकलन कर देते हैं और हर का अलग से अवकलन, जो भी फलन है उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, और फिर हम उसमें एच की जगह मान या एक्स की जगह मान रख के देखते हैं। अगर फिर से अनंत बटे अनंत बनता है तो दोबारा अवकलन कर दूं। ये अवकलन तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसका कोई निश्चित मान प्राप्त ना हो जाए, जब तक कि अनंत बटे अनंत और जीरो बटे जीरो परिभाषित ना हो जाए। हम इसको सॉल्व करें, अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लॉग ऑफ साइन एच का अवकलन, अब लॉग का अवकलन तो 1 बटे साइन एच होता है और साइन एच का अवकलन क्या होगा, कॉस एच बटे में माइनस म्यू एच की पावर माइनस म्यू माइनस 1 हो जाएगी। और सॉल्व करें इसको तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोट एच बटे माइनस म्यू एच की पावर माइनस म्यू माइनस 1। अगर एच की जगह 0 रखें, कोट 0 का मान 0 क्या होगा, कोट 0 का मान क्या आएगा, 0 कोस 0 बटे साइन 0 अनंत होगा और इसका मान फिर से अनंत आएगा। अगर इसको सॉल्व कर लें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हम इसको लिख सकते हैं h की पावर म्यू प्लस 1 बटे माइनस म्यू टेन एच लिख सकते हैं ना, ये लिखा जा सकता है। अब हमारे पास 0 बटे 0 बन रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग अगर चेंज करें तो h बटे टेन एच को अलग कर दिया जाए, इंटू एच की पावर म्यू अपॉन माइनस म्यू को अलग कर दिया जाए। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट थी, स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी। अगर स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू 1 रख दें और इसमें एच की जगह 0 रखें तो 0 बटे माइनस म्यू, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, एक निश्चित मान को ग्रहण करता है। ये निश्चित मान कब ग्रहण करेगा, देखो म्यू की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तभी ये कंडीशन आएगी हमारे पास, अगर 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो ये अपसारी की कंडीशन को व्यक्त कर देगा। म्यू की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो अभिसारी को प्रदर्शित करता है। उसने ये सिद्ध करने को कहा था कि यह फलन जो है अनंत समाकल जो है वो अभिसारी है, ये सिद्ध कीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे कि म्यू का मान 0 और 1 के मध्य होने पर आई जो है अनंत समाकल जो है वो अभिसारी है, और अगर म्यू का मान 1 से बड़ा ले लेंगे तो अपसारी बन जाएगा। हमें अपसारिता सिद्ध नहीं करनी, अभिसारिता सिद्ध करनी थी, इसलिए 1 से छोटा मान मान के चलेंगे। परिभाषित कर रहा है क्योंकि x का मान 0 रखें तो log 0 का मान अनंत होता है
और अगर x का मान इसमें दो रखते हैं तो भी हमारे पास ये अनंत समाकल को व्यक्त करता है, क्योंकि दिया गया फलन जो है वो इस बिंदु पर भी अनंत को परिभाषित करेगा। अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जीरो से एक तक लॉग एक्स बटे अंडर रूट दो माइनस एक्स, और एक से दो तक लॉग एक्स बटे अंडर रूट दो माइनस एक्स डी एक्स। ये आई वन और ये आई टू, हम आई वन को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले आई वन को परिभाषित करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स की पावर म्यू एफ एक्स, जिसको लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स की पावर म्यू लॉग एक्स बटे अंडर रूट दो माइनस एक्स लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो में बदल जाएगी, लॉग एच बन जाएगा, अपॉन में एच की पावर माइनस म्यू लिख लेते हैं और अंडर रूट में दो माइनस एच। हमें पता है कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो पर लॉग h बटे h का जो मान होता है वो जीरो होता है, लॉग h बटे h का मान हमारे पास क्या होगा जीरो होगा भी। अगर एक लॉग h बटे h का मान जीरो नहीं होगा, लॉग अनंत पर होता ही है जीरो, h टेंड्स टू अनंत हो लोग एच बटे एच तो हमारे पास ये प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। अभी अगर मैं एच की जगह जीरो रखता हूं तो ये अनंत बटे अनंत बन रहे हैं। म्यू को परिभाषित करने के लिए फिर से एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, ये बन जाएगा एक बटे एच बटे माइनस म्यू एच की पावर माइनस म्यू माइनस वन अंडर रूट ऑफ टू माइनस एच प्लस एच की पावर माइनस म्यू वन अपॉन टू अंडर रूट वन टू माइनस एच इंटू माइनस वन। पहले एच की पावर माइनस म्यू का अवकलन, फिर अंडर रूट का अवकलन किया है, गुणा का नियम लगाएं। अगर इस एच को अपॉन में लें तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन अपॉन माइनस म्यू एच की पावर माइनस म्यू अंडर रूट ऑफ टू माइनस एच प्लस एच की माइनस हो जाएगा, ये एच की पावर माइनस म्यू प्लस वन इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वन टू माइनस एच। इसको सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो h की पावर जीरो, h की वैल्यू जीरो पुट करने पर ये बनेगा अनंत गुना जीरो माइनस अनंत गुना जीरो, जो कि एक बटे अनंत बनाएगा, और एक बटे अनंत का मान जीरो होता है, जो एक निश्चित मान को प्राप्त कर रहा है। ये तभी निश्चित मान को प्राप्त करेगा यदि म्यू का मान जीरो और एक के बीच में हो, अर्थात म्यू स्मॉलर देन वन पर दिया गया समाकल अभिसारी है। और अगर म्यू का मान एक से बड़ा ले लेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास अपसारिता को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारे पास आई टू, इस आई टू के लिए जब परिभाषित करेंगे तो एक्स टेंड्स टू टू माइनस परिभाषित करना पड़ेगा, एक्स की पावर म्यू लॉग एक्स अपॉन टू माइनस एक्स की पावर म्यू लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स। अगर म्यू की वैल्यू हाफ ले लें तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का लॉग ऑफ टू माइनस, सॉरी ये माइनस इसके साथ में है, लॉग ऑफ टू माइनस एच बचेगा एक्स की जगह टू माइनस एच रखने पर, और एच की जगह जीरो रखने के लॉग टू बनेगा, जो एक निश्चित मान को क्लेम करता है। म्यू की वैल्यू हाफ है जो स्मॉलर देन वन है, इसलिए आई टू भी अभिसारी है, दिया गया समाकल आई भी अभिसारी है। अभिसरण की जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भी फंक्शन बीटा फंक्शन को अभिसारी होगा या अपसारी होगा, किन कंडीशंस में अभिसारी होगा और किन कंडीशंस में अपसारी होगा, उसकी जांच कर रहे हैं। सबसे पहले
पहला पार्ट तो ये बनता है हमारे पास, देखिए कि m माइनस एक जो है वो ग्रेटर देन और जीरो से और n माइनस एक ग्रेटर देन और जीरो से, दोनों ही अगर जीरो से ग्रेटर है तो इसका मतलब घाते धनात्मक है और घनाते अगर घाते धनात्मक हो तो वो कभी भी अनंत समाकल को परिभाषित नहीं करता। ये हमारे पास एक निश्चित मान को व्यक्त करेगा, जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, एक रखेंगे तो भी जीरो आएगा, यानी एक निश्चित समाकल को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे अगर m माइनस एक का मान जीरो से बड़ा या n का मान एक से बड़ा और m का मान भी एक से बड़ा है तो उस स्थिति में दिया गया जो अनंत समाकल है वो एक निश्चित समाकल है, अनंत समाकल नहीं है। और अगर निश्चित समाकल है तो उस स्थिति में ये अभिसारी होगा, कोई ना कोई निश्चित मान जरूर प्राप्त होगा, हमें उसको हल नहीं कर सकते, अभिसरण की जांच की जरूरत नहीं रहेगी वहां पे। सेकंड केस बनता है कि अगर m माइनस एक का मान स्मॉलर देन है जीरो से और n माइनस एक का मान है जीरो से स्मॉलर, यानी जो घात आ रही है वो ऋणात्मक घात आ रही है, अगर ऋणात्मक घात आएगी तो माइनस में घात जीरो की घात माइनस एक जीरो रखने पर या एक रखने पर भी जीरो हमारे पास एक माइनस एक्स की घात यानी एक माइनस एक की घात जीरो की घात माइनस में आएगी और जीरो की घात माइनस में आते ही वो अनंत को परिभाषित करता है, अनंत समाकल परिभाषित हो जाएगा। हमें इस अनंत समाकल को हल करके अभिसरण की जांच करनी है कि किन कंडीशंस पर ये अनंत समाकल जो है वो अभिसारी होगा और किन कंडीशंस पर अपसारी होगा। जीरो पर भी ये अनंत समाकल बनता है और एक पर भी ये अनंत समाकल बन रहा है। हम क्या करते हैं, पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहला पार्ट जीरो से एक तक एक्स की पावर एम माइनस एक वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस एक डी एक्स प्लस दूसरा पार्ट ए से अनंत एक तक एक्स की पावर एम माइनस एक वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस एक से परिभाषित कर रहे हैं। पहले इस आई वन और आई टू के लिए हम I1 को लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कब ये अभिसारी होगा और कब ये अपसारी होगा। देखो जीरो से अनंत तक ये तक x की पावर n माइनस एक वन माइनस एक्स की पावर n माइनस एक की अभिसारिता की जांच करनी है। नियम न्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग x टेंड्स टू जीरो प्लस x की पावर म्यू x की पावर m माइनस एक वन माइनस एक्स की पावर n माइनस एक लिखा जाएगा। इसको हल करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस x की पावर म्यू प्लस m माइनस एक बनेगा इनटू वन माइनस एक्स की पावर n माइनस एक बनेगा। x की जगह पर जीरो प्लस h रखेंगे, अगर x की जगह जीरो प्लस h रखा जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर h की पावर म्यू प्लस m माइनस एक और वन माइनस एक्स की पावर n माइनस एक बनेगा, एक्स एच आएगा। इसमें अगर हमें ये मान परिभाषित करना है या एक निश्चित मान को प्राप्त करें इसके लिए हल करना है तो ये कंफर्म है कि जो ये एक्स की पावर है वो जीरो या जीरो से ग्रेटर बननी चाहिए, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को शो करना चाहिए। जीरो या जीरो से ग्रेटर क्यों बननी चाहिए इसमें, क्योंकि अगर इसकी पावर जीरो या जीरो से ग्रेटर बनेगी तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अंश में रहेगी और ये पावर नेगेटिव है इसके कारण ये हर में जाएगी। h की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो रखने पर जीरो बटे एक बनेगा और जीरो बटे एक का मतलब जीरो होता है जो एक निश्चित मान को ग्रहण करता है। तो ये जो लिमिट है वो तभी हमारे पास एक निश्चित मान को व्यक्त करती है यदि म्यू प्लस एन माइनस एक जो है म्यू प्लस एन माइनस एक ग्रेटर देन है जीरो से, अगर कोई भी एक पॉजिटिव मान को व्यक्त करता है इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो भी एक निश्चित मान को व्यक्त करेगी, इसका मतलब म्यू इंटू एम माइनस एक जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने पर ये कंडीशन कुछ अलग बन जाएगी। हम इक्वल्स टू जीरो नहीं लेकर चल रहे, एक बार ग्रेटर देन जीरो पर ये निश्चित मान को प्राप्त करेगी। अगर ग्रेटर देन जीरो पर निश्चित मान है तो इसका मतलब म्यू का मान ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस एम प्लस एक से। अगर म्यू का मान माइनस एम प्लस एक से ग्रेटर होगा या वन माइनस एम से ग्रेटर होगा तो हमारे पास एक निश्चित मान को प्राप्त करेगा और अभिसारी होगा। लेकिन हमने क्या कहा था, एम माइनस एक जो है वो जीरो से छोटा है, अगर एम माइनस एक जीरो से छोटा है तो इसका मतलब एम की जो वैल्यू थी वो एक से छोटी है,
और अगर यहां पे हम परिभाषित कर रहे हैं म्यू का मान 1 माइनस एम से ग्रेटर होना चाहिए, एम का मान अगर एक से छोटा कुछ भी रखते हैं तो म्यू का मान जो आएगा वो क्या परिभाषित हो सकता है, म्यू का मान एक माइनस एम बन रहा है, एक माइनस एम का मतलब हमारे पास क्या कंडीशन बन सकती है, अभिसारी आएगा, ये कंडीशन अभिसारी को व्यक्त करेगी, म्यू का मान एक माइनस एम, एम का मान एक जीरो से क्यों एक से छोटा जीरो रखेंगे, जीरो से म्यू का मान ग्रेटर देन होगा एक से, और अगर म्यू का मान एक से ग्रेटर होता है तो क्या कंडीशन बनती है, अपसारी होता है, अपसारी हो जाएगा, ये जो हमारे पास पार्ट है और अगर हम जीरो और एक के बीच में लें तो एम का मान जीरो और एक के बीच में जीरो से छोटा का एम ने एक से छोटा का एम का मान एक से छोटा जीरो और एक के बीच में लेके चलें कोई भी मान तो अभिसारी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएंगी कि अगर एम का मान जीरो और एक के बीच में लेते हैं तो म्यू का मान एक से छोटा बन जाएगा, उस स्थिति में अभिसारी होगा, और अगर एम का मान लेस देन इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन बन जाएगा, उस केस में ये अपसारी होगा। दोबारा बता रहा हूं, हमने म्यू को परिभाषित किया था, इस म्यू में हमारे पास ये जो पावर आ रही थी वो तब भी परिभाषित हो सकती है लिमिट जब ये जो मान है वो धनात्मक बने, ये मान धनात्मक सिर्फ उसी स्थिति में बन सकता है जब इसकी पावर पॉजिटिव आई, इसकी पावर पॉजिटिव बनने का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू का मान 1 माइनस एम आता है, यानी एम म्यू का मान या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 1 माइनस एम से, लेकिन एम की जो कंडीशन हमने मिली थी वो एम स्मॉलर देन था 1 से, 1 से स्मॉलर की कंडीशन में अगर 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 0 और 1 के बीच में पुट करने पर म्यू का मान जैसे मैं हाफ रख देता हूं तो म्यू ग्रेटर देन हाफ, हाफ से ग्रेटर, हमें पता है हाफ से ग्रेटर जब तक 1 रखेंगे तब तक तो हमारे पास इसकी वैल्यू अभिसारी होती है और 1 से ग्रेटर होने पर ये अपसारी की कंडीशन को डिफाइन करता है। तो अगर एम का मान 0 और 1 के बीच में लेके चलते हैं तो म्यू का मान 1 से छोटा आएगा, एक से छोटा आएगा तो वो अभिसारी को व्यक्त करेगा, और जैसे ही जीरो रखेंगे एम का मान या जीरो से छोटा यानी माइनस में कोई भी मान रखते हैं तो एक से बड़ा हो जाएगा, एक से बड़ा होते ही ये अपसारी कंडीशन को व्यक्त करता है। तो अर्थात अगर जीरो से ए तक बीटा फलन आ जाए और उस बीटा फलन में जो एम माइनस एक परिभाषित कर रहे हैं एक्स की पावर, उस एक्स की पावर में एम का मान जीरो और एक के बीच में कोई भी मान आ जाएगा तो अभिसारी लिख देंगे डायरेक्ट हम, और अगर एम का मान जो है वो जीरो से छोटा आ जाएगा माइनस में आ जाएगा तो उस कंडीशन में उसको अपसारी लिखते हैं। इसी प्रकार से आई टू को परिभाषित करेंगे, आई टू को परिभाषित करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस लिखा जाएगा, वन माइनस एक्स की पावर म्यू, एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन डीएक्स। एक मिनट देख लो बेटा, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की जगह 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये बन जाएगा एच की पावर म्यू, 1 माइनस एच की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एच यानी एच की पावर यहां पे आ जाएगी एम माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच की पावर म्यू प्लस एम माइनस एन माइनस एक है यहां एन माइनस एक, फिर से वही कंडीशन बनेगी सिर्फ अब की बार एन पर डिपेंड करेगा, एन पर डिपेंड करेगा तो यहां पे म्यू प्लस एन माइनस एक का मान अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बनता है तो ये दिया गया लिमिट जो है वो एक निश्चित मान को व्यक्त करेगा, और अगर ये ग्रेटर देन है तो एन की वैल्यू स्मॉलर देन है वन से, एन की वैल्यू स्मॉलर देन वन कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एन को रिप्रेजेंट करेगा, एन की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लेके चलते हैं तो म्यू स्मॉलर देन आएगा वन से,
अभिसारी होगा, और अगर n का मान एक से बड़ा लेके चल जीरो से स्मॉलर देन इक्वल टू लेके चलते हैं तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी वन से इक्वल टू अपसारी होगा।